हमने भंडारा तो पढ़ाना नहीं है, 50 बच्चे हैं तो हम अपने सोर्सेज लिमिटेड हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे साथ में थे जिनका फिल्म्स क्लियर ही नहीं हो रहा था, हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनका फिल्म्स नहीं क्लियर हो रहा, हमारे मुताबिक पढ़ रहे हो फिर भी फिल्म्स ना निकला तो आपके पूरे पैसे वापस हैं। हम लीगल एग्रीमेंट करते हैं, आप साइन एंड स्टैम्प करके हम देंगे, आप लिखवा के लेकर आइए जैसे जैसे हम बोलते हैं, और फिर भी अगर आपका प्री ना क्लियर हुआ तो हम आपके पैसे रिफंड करेंगे। जैसे कि अभी खान सर की जो कोचिंग है वो काफ़ी मतलब बहुत कम प्राइस में या फिजिक्स वाले की चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी इस वजह से जो कोचिंग मार्केट है उसमें क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट हो रहा है या क्या इफेक्ट हो सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मलूका IAS की कोचिंग, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे वहाँ के कोचिंग टूर, और साथ में आपको वहाँ पे जो उन कोचिंग के डायरेक्टर हैं मलूका सर, उनसे बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं जो मलूका IAS है वो 100% प्रीलिम्स क्लियर करवाने की गारंटी लेती है। अगर आप प्रीलिम्स जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो आपको 100% जो आपकी फ़ीस है वो रिफ़ंड करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अक्सर हमने देखा है कि जो मलूका IAS है उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेन्स हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, सो आज हम हैं मलूका एकेडमी कोचिंग के डायरेक्टर मलूका सर के साथ। वेलकम टू प्रभात एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है सर। यस सर, जैसे कि आपकी जो कोचिंग है वो 100% प्रीलिम्स का करवाती है कि अगर जो बच्चा नहीं क्लियर होता तो उनके जो मनी है वो रिफंड हो जाती है, तो वो क्या है एक्चुअली? हाँ जी, एक्चुअली है क्या कि जब हमने UPSC की तैयारी करी थी ऐसा कभी नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रुका हो, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटजी थी। जब मैं खुद भी तैयारी कर रहा था, मैंने खुद 4 बार मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई थी प्रीलिम्स रुक जाए, तो बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर प्रीलिम्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे साथ में थे जिनका प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हो रहा था, हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा। तो जब हमने कोचिंग खोलने के बारे में सोचा तो कुछ डिफरेंट करने का सोचा कि हम प्रीलिम्स की गारंटी लेते हैं कि अगर हम आप हमारे मुताबिक पढ़ोगे डेफिनेटली प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा, और अगर हमारे मुताबिक पढ़ रहे हो फिर भी प्रीलिम्स ना निकला तो आपके पूरे पैसे वापस है। यही नहीं, बहुत लोग मजाक करने लगे कि ऐसा कोई प्रीलिम्स की गारंटी कैसे ले सकता, आज तक तो नहीं हुआ। लेकिन जो ऐसा तो नहीं, जो आज तक नहीं हुआ कभी हो ही नहीं सकता। पहले बार लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, दैट बिकम्स द फर्स्ट टाइम, और फिर लोग उसको पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। तो हमने जब लोग कहने लगे कि कोई गारंटी ले ही नहीं सकता, वी इंट्रोड्यूस द लीगल एग्रीमेंट। हम लीगल एग्रीमेंट करते हैं, लीगल एग्रीमेंट हमारे देश में कभी झूठा नहीं होता। हम लीगल एग्रीमेंट करते हैं, आप साइन एंड स्टैम्प करके हम देंगे, आप लिखवा के लेकर आइए जैसे जैसे हम बोलते हैं, और फिर भी अगर आपका प्री ना क्लियर हुआ तो हम आपके पैसे रिफंड हैं। इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से 30 टेस्ट लेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कुछ 230 पेजेस है, जैसे 1/3 इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, 80 पेज कवर हो जाएंगे, हम बच्चों का टेस्ट लेंगे। अगले 80 पेज कवर हो गए फिर टेस्ट लिया, फिर रिमेनिंग 70 पेजेस कवर हो गए फिर टेस्ट लिया। हम मानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अगर 70 से 80 पेज से 100 पेज बच्चा आराम से 8 से 10 दिन में पढ़ सकता है, हम उनको 12 से 13 दिन पढ़ने के लिए देते हैं और फिर उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं। जो बच्चा सीरियस है, IAS बनना चाह रहा है, डेडिकेटेड है, कमिटेड है, अगर उसके पास गाइडेंस मिल जाए, मैं एक बहुत अच्छे तरीके से बात मानता हूँ, 60% स्कोर इजीली हमारे क्लास नोट्स में ही कर पाएगा। और क्लास नोट्स में जैसे जो पढ़ाया उसी चीज़ के डेली बच्चे को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिए प्रीलिम्स के, उसी चीज़ का बच्चे को क्लास में बिठा के आंसर राइटिंग भी करवाई। अगर गलत लिखता है बच्चा तो आप दोबारा लेकर आओगे, और उसी चीज़ का नेक्स्ट डे बच्चे से सुन भी लिया, जैसे स्कूल की तरह पढ़ाते हैं जी, हम पढ़ा घर पे जाके करो और उसके बाद अगले दिन आके हमें सुनाओ भी। और अगर किसी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली 60% कोई बड़ी बात नहीं है, और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, जो पढ़ा दिया सिर्फ उसी में से होगा। तो भी हम लीगल एग्रीमेंट करते हैं, अगर प्रीलिम्स ना क्लियर होता अपने पूरे पैसे वापस ले जाओ। अच्छा सर, जैसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जो फेमस है, उन्होंने आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं लाया है, तो आपके जो इंस्टीट्यूट में ये स्कीम है, तो ये स्कीम जब आपने ये लॉन्च की है तो आपको मतलब 100% गारंटी थी कि अगर हम प्रिपरेशन करवाते हैं तो पक्का है कि बच्चा जो है वो क्लियर कर ही लेगा, और आपने ये स्कीम क्यों स्टार्ट की है? पहले बात तो ये स्कीम नहीं है, ये हमारी मेहनत का रिफ्लेक्शन है, हमारा डेडिकेशन है, हमारा कमिटमेंट। ऐसा नहीं कि बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, एक ईमानदारी से एफर्ट है कि अगर इस तरीके से UPSC को पढ़ लिया जाए। मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिया है, आप तो यहाँ पे मुखर्जी नगर में हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका खुद कभी प्री नहीं क्लियर हुआ और दूसरों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं पॉसिबल। अगर वो तो बीन देयर डन दैट, अगर आपको पता है कि प्रीलिम्स पे इतना पढ़ के चले जाओ, इसकी वजह से यहाँ पे UPSC में कहा क्या जाता है,
व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज यू शुड नो व्हाट नॉट टू रीड, क्या नहीं पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है, क्या पढ़ना है। इतना ज्यादा भंडारा, इतना ज्यादा कुछ चीज है तो पता ही नहीं लगता, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। अगर इसी चीज को बच्चे को बचा के रखेंगे और ईमानदारी से हम रेगुलरली उनको गाइड करते रहेंगे तो डेफिनेटली है। अगर ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से कोई बच्चे की सक्सेस के लिए और भी कोई काम करेगा वो भी गारंटी ले सकता है। सर, यहाँ पे जो आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करवाते हैं जो अदर इंस्टीट्यूट्स नहीं करवाते हैं? नहीं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में तो हम कमेंट नहीं करेंगे, हम जो कराते हैं वो बता देते हैं। पहले बात, जब ईमानदारी से अगर तैयारी करनी है तो बच्चा सोचता है कि हमें पहले एनसीईआरटी से शुरू करती है। हम एनसीईआरटी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक 42 बुक्स है, हमने 42 बुक्स को सिर्फ 5 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि सिनॉप्सिस बन जाएगा बच्चा, और उसी चीज़ के ऊपर क्लासेस भी हैं, उसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उनको मिल रहे हैं। तो डेली हफ्ते में 6 दिन मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती है, 1 आवर की क्लास होती है आपकी एनसीईआरटी की, उसके बाद 2.5 घंटे की क्लास होती है आपकी फॉर एग्जांपल जीएस की क्लास। मंडे टू सैटरडे तो ये चलता है, और फ्राइडे और सैटरडे हफ्ते में 2 दिन 2 क्लासेस और ऐड हो जाती है करंट अफेयर की क्लास। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाया जाता है, जो टॉपिक पढ़ा दिया उसी टॉपिक का प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन भी बच्चे को दे दिया, गलत हो गया आप दोबारा से करके लेकर आओगे, आप टीचर को आके सुनाओगे। अगर इस तरीके से रिग्रेस प्रैक्टिस से बच्चा डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1000+ बच्चा मेंस की आंसर राइटिंग क्लास में बैठ के लिखेगा ही लिखेगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चे को बता देते लिखा कुछ नहीं जाता बच्चे से, आप पेन भी नहीं चलता, पहली लाइन ही लिखी जाती, और यहाँ पर बच्चे को बिठा के ट्रेन किया जाता आप कैसे करो। प्रीलिम्स के लिए 15,000+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, तो इतना पढ़ लोगे, और वो भी टू द पॉइंट, ऐसा नहीं कि फालतू कुछ भी दे दिया। बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री कुछ 85-90 पेजेस की है, मॉडर्न हिस्ट्री 125 पेज की है, जैसे इकोनॉमिक्स बताया आपको 230 पेजेस की है, जैसे पॉलिटी हो गया कुछ 320-330 पेजेस की है। इतना पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर राइटिंग करो, डेफिनेटली निकलोगे। अच्छा सर, जैसे कि आप कहते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम आता है यूपीएससी का, उसमें जो आपके नोट से 70+ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो वो क्या है आप एक मिनट हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? हम कहते नहीं हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं। कहते हैं कि एक बार जो तो तुक्का लग जाता है, लेकिन 3 साल से कंटिन्यूसली प्रूफ दे रहे हैं, 2020 का, 2021 का और 2022 का। जिस दिन फिल्म का पेपर हुआ था, हमने सेम डे एक वीडियो अपलोड करी थी, ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन, नीचे हमारे क्लास नोट्स की फोटो और अंडरलाइन कर करके बताया हुआ था ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पड़ा है। बहुत बार आपने देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल देते हैं हमारे पढ़ाई में से 80 क्वेश्चन आए, 85 क्वेश्चन आए, लेकिन प्रूफ कहाँ पे है? बुद्धिज्म का टॉपिक है, हर इंस्टीट्यूट बुद्धिज्म पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, लेकिन क्या आपने बुद्धिज्म इस तरीके से पढ़ाया था कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। उनको लगता है कि बुद्धिज्म का टॉपिक बोल दिया और बुद्धिज्म का क्वेश्चन आगे हम क्लेम कर लेंगे, हम वैसा बिल्कुल नहीं करते। हम अंडरलाइन करके बताते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है इस, और 3 साल से कंटिन्यूसली दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने प्रूफ वीडियो नहीं दिया, और हम 3 साल से कंटिन्यूसली दे रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था वो स्कीम नहीं है, ये हमारा डेडिकेशन का रिफ्लेक्शन है, हमारी कमिटमेंट है। अगर बच्चा हमारे पास आएगा, हमारी गाइडेंस से पढ़ेगा, डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगी उसको। अच्छा सर, मार्केट में आपका स्टडी मटेरियल है वो क्या क्या प्रोवाइड, क्या क्या मिलता है मार्केट में? मार्केट में सब इंस्टीट्यूट्स का मिलेगा अदर देन मुलुक का, आई गेस। हमारा एक भी चीज़ आपको बाहर नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी का सिनॉप्सिस अगर आप कोई बच्चा परचेज करना चाह रहा है, हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हम ही उसको कोरियर करेंगे, या वेबसाइट पे ऊपर जाके, या मुलुक आईएस की ऐप पे जाके वहाँ पे परचेज कर सकता है। इसको छोड़ के और कुछ भी मटेरियल मुलुक आईएस का बाहर अवेलेबल नहीं है। तो सर, जैसे आपने जैसे बताया कि और जो जितने भी फेमस कोचिंग्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं कि मतलब जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए अगर वो बाहर से ले लें, या क्यों आप नहीं करते हैं बाहर? ये इट्स नॉट कि क्यों नहीं करते हैं, बाकी एक सिंपल छोटा सा बात पूछता हूँ। बच्चे को ना आप पहले ही दिन इतना मटेरियल दे दो और उसको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है। मटेरियल से एक बात ही नहीं, मटेरियल की तो कमी नहीं है। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अंडमान एंड निकोबार तक जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको 4-5 किताबों का नाम पता है? पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए किसी के भी नोट्स उठा लो रमेश सिंह उठा लो, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और जीसी लॉन्ग पढ़ लेगा, एक और एनवायरमेंट के लिए शंकर पढ़ लेगा, मॉडर्निस्ट के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेगा। मैंने क्या बता दिया नया? यहाँ पे आप जाओगे चाय वाले को भी ये किताबों का नाम पता है, और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने के बाद फिर बच्चा नोट्स नहीं पढ़ता, ये पढ़ता है क्योंकि तो लगता है कहीं ना कहीं पे नोट्स में कमी है, जिसकी वजह से उन किताबों को पढ़ने की जरूरत है। अब पिछले 4 साल के प्रीलिम्स के पेपर की बात करते हैं, मीन्स तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रीलिम्स का अगर 20 क्वेश्चन पॉलिटी में एवरेज आ रहे हैं, 8-9 से ज़्यादा लक्ष्मीकांत से नहीं आ रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। और अगर आप मॉडर्न उसकी बात करते हैं,
शंकर की इन्वायरमेंट की बुक है, बेसिक्स बुक पढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अगर 20 में से 8, 18 में से 5 क्वेश्चन से प्रीलिम्स निकल जाएगा? बच्चा मेहनत बहुत करता है लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पा रही। आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हम सेम हिंदी को भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा 8 घंटे पढ़ता सिलेक्शन ले लेता है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा 15 घंटे पढ़ता सिलेक्शन नहीं ले पाता। क्यों? कहीं ना कहीं पे आप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के रील्स के ऊपर या उसके ऊपर देख के अपनी एडमिशन करवा लेती हो। आपने कभी बड़े इंस्टीट्यूट की, आपसे पूछता हूँ, कभी किसी डेमो क्लास देखी है कभी किसी की? नहीं सर, डेमो क्लास रील्स बहुत देखी होगी, शॉर्ट वीडियोस देखी होगी। आपने कभी हमारे हर टीचर का डेमो, 5-5, 10-10 डेमो क्लास है, उनके एक भी टीचर का डेमो क्लास नहीं है। आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पैसा किस लिए देने जाते हो? कहानियां सुनने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए? ये आपका क्राइटेरिया डिफाइन करता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ, और अगर कहानियां भी सुनना चाहते हो फिर भी हमारे पास आ जाओ, हम सुनाएंगे लेकिन पैसे नहीं लेंगे। वहां पे आप पैसे देके 2 लाख लेके कहानियां सुनने जाते हो, वो तो रील्स वैसे ही सुन लो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कहते चूज योर कैरियर वेरी वाइजली। आपको अपना इंस्टीट्यूट बहुत ध्यान से सुनना है कि बड़ी बड़ी कहानियां सुनने नहीं जाना। हाँ, एग्जाम के बाद कहानियां सुन लो, सिलेक्शन के बाद, लेकिन सिलेक्शन से पहले आपका पढ़ना आपका कर्म है, पढ़ना ही आपका धर्म, उसी के लिए हम लोग का ये। अच्छा सर, जैसे और भी कोचिंग्स हैं तो बच्चों को, जैसे बच्चे जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपके कोचिंग में भी ऐसा ही होता है या आप हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से? आप दो चीज़ आपने बोले, टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते और डायरेक्टर से, डायरेक्टर तो बच्चों को मिलते ही नहीं है दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। नहीं, हम टीचर हैं। मैं अपने आप को कभी नहीं कहता मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कहता हूँ मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना ही मेरा कर्म है, मैं पढ़ाता हूँ। अगर टीचर ही बच्चों से नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है उस चीज़ का? एक डायरेक्टर बन गए, कोचिंग खोल दिया, चलो डायरेक्टर एक इंसान हो गया, लेकिन पहले वो टीचर है उसके बाद वो डायरेक्टर है। हमारा कर्म है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन। अब अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है टीचर के साथ, चाहे एक घंटा बैठे, वो टीचर उसको बिठा के समझाएगा ही समझाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्टली कम टू मेरे से, आधा घंटा बैठो, एक घंटा बैठो, मैं तुम्हें यहाँ पे बताने के लिए हूँ, बिकॉज वो मेरा पहला काम है बताना। और नॉट ओनली दिस, हमने बताया पढ़ाने के बाद डाउट क्लियरिंग तो अलग बात, आपको याद करके सुनाना भी पड़ेगा। चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर की तरह उसको सुनूंगा, दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं टीचर की तरह उसको सुनेंगे, डाउट क्लियरिंग बहुत छोटी बात रह चुकी है, उसके बाद सुनने के नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुँच गए। अच्छा सर, और जैसे ऑनलाइन क्लासेस में है तो उसमें इंट्रैक्शन जो है बच्चे वो कैसे कर सकते हैं टीचर्स के साथ? तो एक तो लाइव क्लासेस है, कोई भी डाउट है तो लाइव क्लास में देख लिया, लाइव क्लास मिस होगी, बच्चा बाद में रिकॉर्डेड देख रहा है, जब लाइव क्लास भी देखी उस समय बच्चे को सब कुछ बहुत क्लियर हो गया, लेकिन बाद में कुछ डाउट आने लगा तो डायरेक्टली टीचर का नंबर दिया जाता है, आप उनसे कॉल करके या मैसेज करके टाइम पूछ लीजिए भी सर आप किस टाइम फ्री होंगे, उस टाइम पे टीचर को व्हाट्सएप या कॉलिंग करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद 10 बच्चों के लिए एक पर्सनल मेंटर भी दिया हुआ है हमने, उसकी अभी शुरू किया हमने, 10 बच्चों के लिए एक मेंटर होगा, ताकि कोई भी डाउट है आप कभी भी जूम सेशन कैसे भी करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और साथ में सर, जैसे कि अभी मेंस का जो है वो रिजल्ट आया, तो आपके इंस्टीट्यूट में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेंस जो है वो क्लियर कर लिया है? हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, हम बोलेंगे कि हमारा रिजल्ट बोलेगा। पिछले साल हमने कमिट किया था कि 100 बच्चा सिलेक्ट होगा, 110 सिलेक्ट हुए। इस बार आपके आगे कमिट कर रहा हूँ 150 बच्चा सिलेक्ट होगा, अगर भगवान की कृपा रही तो 150 ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन कलिस्ट ब्लॉक का है इसके थ्रू डेफिनेटली। अच्छा सर, और जो बच्चे हैं जो आपसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ जी, हम ऑफिशियल नंबर पे वो कभी भी कॉल कर सकते हो फ्रेंड्स आप, और हमारी वेबसाइट है मलुकाइस.com, मलुकाइस की ऐप भी है, वहाँ पे भी है, कभी भी आप कॉल करिए, 10 to 6 हम अवेलेबल होते हैं, 10 to 6, 6:30 तक अवेलेबल होती है, कॉल करके कोई भी डाउट है, कुछ भी काउंसलिंग भी करनी है किसी चीज़ के लिए तो डेफिनेटली वी आर प्रेजेंट फॉर दिस। ओके सर, और जो फीस स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं एक बार कि ऑफलाइन क्लासेस का और ऑनलाइन क्लासेस का क्या है? ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन हम बहुत एक बड़ी चीज़ लाने, एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं हम। अभी तो प्रेजेंटली द प्राइस इज 59,000, लेकिन अभी तक नेक्स्ट प्राइस तो आपको भी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन एक श्योर है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा कट हो जाएगा, और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी बच्चे के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि ऐसा समझ लीजिए कि 2000 रुपये के आसपास पर मंथ के हिसाब से बच्चे को ये फीस पे करेगा ऑनलाइन के लिए, तो ये कोचिंग सब को प्रोवाइड करेगा। सर, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, तो आप उनको गाइड कैसे करते हैं? अगर उनको कोई कन्फ्यूजन होती है, उनको कुछ पता नहीं होता कि हमें कैसे आगे स्टडी को अपनी लेके जाना है, तो आप कैसे गाइड करते हैं उनको? हाँ, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा फ्रेशर होता है,
जैसे उसको टीचर ने गाइड कर दिया वैसे वो ले लिया। तो हम पहले बच्चों से बात करते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और फिर पहले हम उसको बोलते हैं बच्चे जीएस की कोचिंग करो, उसके बाद एनसीईआरटी तो साथ में कवर हो गया, जीएस की क्लासेस हो गया, करंट अफेयर कवर हो गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर उसकी ऑप्शनल चूज़ करने में, तो हम बच्चों को बोलते हैं भाई दो तीन ऑप्शनल जो आपको लगता है कि ये चूज़ कर सकते हो उसकी दोनों तीनों की डेमो क्लास लगा के देखो, उसके बाद जो फिर आप हमारे से आगे बात करो। आई पर्सनली टॉक टू द स्टूडेंट्स, फिर हम बताते हैं आपके लिए ये ऑप्शनल कम्पेयर टू ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव बता देते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं इनमें से आपको जो ज़्यादा बेटर लगता है वो आप ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी खान सर की जो कोचिंग है वो काफ़ी मतलब बहुत कम प्राइस में या फिजिक्स वाले के चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी इस वजह से जो कोचिंग मार्केट है उसमें क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट हो रहा है या क्या इफेक्ट हो सकता है? ये तो सबका अपना अपना होता है, कुछ कितने भी प्राइस के ऊपर दे सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन डिलीवरी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही दूसरों के ऊपर। हम आपने पहले भी हमसे पूछा, हम कभी कमेंट नहीं करते, आप इनके बारे में पूछेंगे आप कमेंट नहीं करते। अल्टीमेटली हम अपना बोल सकते हैं, रिजल्ट आने वाला है, 150 प्लस सिलेक्शंस भगवान की कृपा से होगी और रिजल्ट बोलेगा। और अगर आप क्वालिटी दे रहे हो ना, एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत सारे एक्सपेंडिचर दो, हमने भंडारा तो पढ़ाना नहीं है। अगर 500 बच्चा क्लास में बैठा है तो फीस 5000 भी रख सकते हैं साल की, लेकिन अगर 50 बच्चे क्लास में रखने हैं, हर एक बच्चे की टीचर से आंसर कॉपी इवेल्युएट करवानी है, 50 बच्चे हैं तो हम अपने सोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उसी वजह से 50 बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन को मिला के 50 बच्चे हैं, ऑटोमेटिकली प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। लेकिन आप अगर 500 बच्चे बैठेंगे तो फिर कोचिंग क्या, फिर तो बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं आप, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, बच्चे को टीचर दिखता भी नहीं कहाँ पर बैठा है, टीचर आप देखते हो डिजिटल स्क्रीन लगी होती है, तो फिर घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली का खाना खर्च हुआ है, 50 बच्चे पर क्लास, दैट इज द लिमिट टू अस, उसकी वजह से वेरी हाई क्वालिटी दैट इज बीइंग गिवन। एंड अगर प्रीलिम्स और मेंस की गारंटी ले रहे हैं, 3 साल से कंटिन्यूसली प्रूफ वीडियो डाल रहे हैं, कुछ तो खास है हम लोग का इसमें। सर लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ्रेंड्स, जो भी यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचोगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बात आप जब शुरुआत करते हैं ना, कहते शुरुआती दौर पर बहुत आप ईमानदारी से एफर्ट करते हो, जैसे आपने सोचा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा या एनसीईआरटी पढ़ूंगी, आपने सोचा कि मैं पिछले साल के क्वेश्चंस देखूंगा उसके मुताबिक अपनी तैयारी शुरू करूंगा, आपने सोचा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, तो ये तीन चीज़ें जब आप कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कर लेते हैं, दो तीन महीने चार महीने आपकी कोचिंग में आ जाती है, आप ये तीनों चीज़ छोड़ देते हो, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, आप पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ते हो, और आप न्यूज़पेपर पढ़ना भी छोड़ देते हो। अगर आपने तैयारी बिल्कुल बेसिक से करनी है तो पहले जो ईमानदारी से पहले सोचा होता ना, ये मैं क्लियर करूंगा और फिर साथ ही साथ में बहुत अच्छे तरीके से अपना जीएस भी पढ़ता रहूंगा, तो इस तरीके से अगर पहले दिन वाला ईमानदारी वाला एफर्ट कंटिन्यूसली करते रहोगे 12-13-14 महीने, फ्रेंड्स 1 साल मैक्सिमम 2 साल, चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है, सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकती है अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आपके पास प्रॉपर मेंटर है, और आप भी डेडिकेटेड हो, हम भी डेडिकेटेड है, मोस्ट वेलकम एट ब्लू का आईएएस, और 1 या मैक्सिमम 2 साल में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगर जो स्टूडेंट्स मलूका आईएएस में इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो हम उनके जो नंबर्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो मलूका आईएएस है वो आपको 100% रिफंड फीस करता है अगर आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन आप अगर देखते हैं जो मलूका आईएएस है उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मलूका आईएएस के स्टूडेंट से। हेलो मैम। यस, क्या नाम है आपका? रागिनी प्रजापति। और कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी। यूपीएससी के कब से कर रहे हैं प्रिपरेशन? लास्ट 2 months से। 2 months से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने ऑप्शनल में क्या चूज़ कर रखा है? ऑप्शनल पीएसआईआर। पीएसआईआर। अच्छा, जो ये इंस्टीट्यूट है मलूका आईएएस, तो आपने इसी को क्यों चूज़ किया? यहाँ पर तो और भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, ये ही क्यों, आप यहाँ पर ही क्यों आई हैं पढ़ने के लिए? ये इसलिए मैंने चूज़ किया, जो यहाँ प्रीलिम्स कराते हैं ना उसकी गारंटी लेते हैं, उस बेसिस पे हमें पूरा प्रिपरेशन कराते हैं, हमारी जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होते हैं, और मतलब काफ़ी हमें अच्छे से प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस की एसओटी लेते हैं, और हमें बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी प्रिपरेशन कराते हैं हमारी, और
काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर रहता है सिलेबस कंप्लीट करने का। इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आपको लगता है कि मुझे अदर इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकती, यहाँ पर अगर मैं आऊँगी यहाँ पढ़ूँगी तो वो फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ पे मिलेंगी? फैसिलिटीज़ ये है कि हमारा जो अदर कोचिंग्स हैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और यहाँ जो स्टूडेंट्स की लिमिट्स है वो काफ़ी मतलब मैक्सिमम रहती है, और तो हम अच्छे से इंटरेक्शन कर पाते हैं टीचर्स को लेके, और कोई भी डाउट है हम अच्छे से अपना क्लियर कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे 100% प्रीलिम्स वाला है, तो इससे आपको क्या लगता है जो अदर स्टूडेंट्स उनको भी क्या हेल्प मिल सकती है, या जो एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, जैसे जो फीस इतना नहीं कर सकते हैं, तो उनको अगर ये 100% पर प्रीलिम्स का है अगर वो क्लियर कर जाते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द चांस 1% अगर वो नहीं करते तो यहाँ पर एक उनको सिक्योरिटी अमाउंट जो है एक सिक्योर मिलता है, तो उससे आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स गरीब फैमिली से आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा हो ही जाए या फर्स्ट सिलेक्शन मेरा अच्छा जाए, अटेम्प्ट अच्छा जाए, तो वो प्रीलिम्स से यहाँ वो गारंटी लेते हैं ना। अगर आपका 1% 0.1% भी नहीं होता है तो आपकी फ़ी बैक हो जाती है। हाँ, तो ये ऐसे उनका हेल्प हो जाएगा काफ़ी फ़ी में। और अच्छा, जो इनका स्टडी मटेरियल मिलता है, और जैसे कि सर से भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी हमें बताया कि 70+ जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, और ऊपर से जैसे वो एनसीईआरटी की जो समरीज बनाकर आपको देते हैं कि उन्होंने बताया जैसे कि इतनी सारी एनसीईआरटीज हैं वो उनको कवर करके 5 बुक्स में देते हैं आपको, है ना, तो उससे कितनी हेल्प मिलती है आपको? वो एक तो जो एनसीईआरटी की जो सिनॉप्सिस यहाँ मिलती है ना वो पॉइंट टू पॉइंट होती है, तो उसको हमें रिवाइज करने में, रिकॉल करने में, कोई भी पॉइंट है अच्छे से याद करने में काफ़ी हेल्प होती है उनसे, और अच्छे से। अच्छा, और जैसे कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ठीक है, तो कोई और इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं या उस पर पॉइंट्स लिख के क्वेश्चन लिख के सीधा भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या अलग करवाते हैं वो एनसीईआरटी के लिए या अदर स्टडी मटेरियल, जो जीके का ले ले हम, करंट अफेयर्स ले ले या जीएस का सिलेबस ले ले, तो वो कैसे होता है? वो जो भी रिसोर्सेज यहाँ प्रोवाइड कराते हैं वो ज़्यादा लिमिटेड ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुक्स दे दिए हैं हम उन पर फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपना एफर्ट दे पा रहे हैं इतना, वो यहाँ अच्छे से हो जाएगा आपका। और एनसीईआरटी तो वैसे भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मिल रही है, और जो एनसीईआरटी की क्लास रहती है वो काफ़ी अच्छी बेनिफिट देगी आपको। आप यहाँ पे कितने टाइम से कितने की कोचिंग लेते हैं यहाँ पे? मैं एनसीईआरटी क्लासेस लेती हूँ और करंट अफेयर्स की। तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी? सुबह रहती है मेरी एनसीईआरटी क्लास 9 to 10, एंड इवनिंग में करंट अफेयर्स अल्टरनेट पे चलता है जैसे, तो 3 to 5:30 तक रहता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम यहाँ के एक और स्टूडेंट से बात करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुखवीर यादव है, मैं उत्तर प्रदेश एटा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अभी तो? जी। तो आपने यही कोचिंग को क्यों मतलब लिया है? यहाँ पे और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जैसे कि जो फेमस है काफ़ी, दृष्टि, संस्कृति, तो आपने मलूका आईएएस को ही क्यों चूज़ किया है यहाँ पे अपने पढ़ाई को करने के लिए? एक्चुअली मैम, बात क्या है कि मैं मेरे आने से पहले भी यहाँ पर हम काफ़ी पहले से कनेक्टेड हैं मलूका आईएएस से। मेरे एक कज़न हैं वो भी इसके पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, और जो ये इनका जो भी शेड्यूल्स हैं इनके जो बनाए हुए हैं इन्होंने, जो भी इनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे भैया ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और मेरे भैया मिस तक पहुँचे भी हैं। अच्छा। तो हम यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी इनके प्लान्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपना यहाँ पे सब कुछ मेंटेन करने के लिए बनाया हुआ है रूल्स, वो इन पर इनकी जो स्ट्रेटेजी है उस पर खड़े उतरते हैं ये लोग। अच्छा। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि हम लोग बिलोंग करते हैं रूरल बैकग्राउंड से, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं उनकी स्थिति थोड़ी ऐसी होती है, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में घर वाले पैसे किस तरीके से सपोर्ट्स कर करके यहाँ पे भेजते हैं हमारे पास में, तो फिर ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसी कंडीशन में जो इन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, प्रीलिम्स की गारंटी लेते हैं 100%, मेंस में अथॉरिटीज देते हैं, तो उसमें प्लस अगर 0.01% नहीं भी हो पाता है तो ये 100% फीस बैक करने की बात करते हैं, तो ये सही बात है। और तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बाई दिन हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो भी जाता है तो वो हमें हमारा पैसा वापस मिल जाता है, तो जिससे क्या होता है कि हम पर भी इतना असर नहीं पड़ता है, और जो पारिवारिक स्थितियाँ हैं वो भी संतुलित रहती हैं, तो इसीलिए। और वैसे हम तो काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपका ऑप्शनल में आपने क्या चूज़ कर रखा है? मेरा ऑप्शनल मैम PSIR है। अच्छा, तो जो उनके टीचर हैं तो वो ऑप्शन से पढ़ाते हैं, तो वो किस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको, जैसे अदर इंस्टीट्यूट में भी आपने देखा होगा और इस इंस्टीट्यूट में तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक क्या ऐसा मेजर डिफरेंस है जो आपको मलूका आईएएस में ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा
मतलब एक कहते हैं ना कि जिसको समराइज करके पढ़ाते हैं। देखिए अदर क्वेश्चन की तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में गया नहीं हूँ। मतलब ये आपका फर्स्ट ईयर? जी जी जी, मैं आफ्टर ट्वेल्थ हूँ यहाँ पर। और मैं अगर बात करूँ हमारे यहाँ के विषय में जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ अभी, यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ का ये है मैडम कि जिस तरीके से हमें जो भी इनकी रणनीति है पढ़ाने की, हमको मेंटर करने की रणनीति है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन पेपर हैं मैं उनको अब इनकी जो पढ़ाए हुए हैं, इनकी जो खुद की स्ट्रेटेजी है उसको उस पर अप्लाई करके देखता हूँ। तो मुझे देखता हूँ कि इनपुट इनकी किस तरीके से हमारे ऊपर है और हमारा आउटपुट निकल के क्या आ रहा है, तो मैं उस बेस पर मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर हो रहा है हमारे साथ में। अच्छा, कि जैसे कि आप जब यहाँ पे एज अ बिगनर आए होंगे, जब आपको इससे रिलेटेड इतना नहीं पता होगा, तो आपको मलूका सर या जो भी यहाँ पे अदर टीचर्स हैं उन्होंने कैसे गाइड किया और कितना गाइड किया कि जिससे आपको कितनी हेल्प मिली है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में विजिट भी किया था यहाँ पर आने से पहले, तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना हवाबाजी बहुत सारी फैली हुई है। अगर बच्चों को गुमराह किया जाता है, जो इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं वो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बॉलीवुड स्टार हैं, समझ रहे हो ना। तो होता क्या है कि इस चक्कर में बच्चे, हम गांव से बिलोंग करते हैं, वो हमारा रूरल बैकग्राउंड है, हम सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग हमारे जैसे आम आदमी हैं और वो अपने आप को बहुत वो समझते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का और टीचर का जब तक कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा तब तक सही तरीके से निर्णय नहीं लेने के लिए आएगा, आउटपुट जो होगा बेटर नहीं होगा। जब हम यहाँ पे आए तो हमने और भी बहुत सारी जगह विजिट किया, यहाँ पर भी आए तो जो यहाँ के फाउंडर हैं मलूका सर, हमारी उनसे फेस टू फेस मुलाकात हुई, उन्होंने हमें काफ़ी समय भी दिया, जो भी हमारे डाउट थे हमने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें मेंटर किया, समझाया, बैठा के समझाया सब कुछ। तो मुझे लगा कि ये हमारे लिए सबसे बेटर है, क्योंकि जब तक हमारा मिलने का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमारे डाउट क्लियर नहीं होंगे। और मेन चीज़ यही है कि डाउट बच्चे के जब तक क्लियर नहीं हो सकते वो सक्सेस नहीं पा सकता है। तो बस इसीलिए हमको काफ़ी अच्छे से, और जो भी हमें दिक्कत आई सब्जेक्ट को लेकर के सर इसकी फैकल्टी कौन है, इसकी फैकल्टी कौन है, तो हमें थोड़ा ऐसा, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है। तो हमने जब हमें लगा तो हमें रेमो भी दिया गया यहाँ पे 3-3 दिन का, हमने हर क्लास में रेमो लिया हर बैच में। तो जी अच्छा, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स के जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं तो वो आपको कैसे लगते हैं, उनका नेचर और उनका पढ़ाने का तरीका वो कैसा लगता है? देखिए हमारे यहाँ अमित माथुर सर हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यहाँ पर सबसे बेटर हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो यूपीएससी की डिमांड है, जो एक स्टूडेंट का आउटपुट होना चाहिए वो हमें वहाँ से मिल रहा है, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो बहुत बेटर हैं और काफ़ी अच्छा लगता है उनकी क्लास लेने के बाद में मुझे। और एक अंदर से कॉन्फिडेंस निकलता है कि हाँ हम सच में हमारा जो पथ है वो एकदम सही है, एक यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग हम चल पा रहे हैं। और जो हमें गाइड करते हैं सर, जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी पढ़ाने की, जिस तरीके से उनको पढ़ाने का तरीका है, बच्चों तक अपनी बात को रखने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका जो भी है, बहुत गजब का है, बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं सर, हम तो काफ़ी संतुष्ट हैं उनसे। जो इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्टडी मटेरियल के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब यहाँ पे बच्चे आते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट हैं वो बच्चों को एक ऐसे गट्ठर बना के दे देते हैं। सबसे पहले हम बच्चे हैं, है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल इतने बच्चा स्टूडेंट अवेयर हो चुका है कि वो बहुत जल्दी आने की कोशिश करता है इस फील्ड में, तो अब आप उसको एक इतना बड़ा बोझा बना के दे दोगे तो बस डर जाता है कि क्या क्या पढ़ना है। तो इनके आगे सबसे बड़ी विशेषता ये है कि NCERT की 42 बुक्स हैं टोटल, उनको सर ने मात्र 5 बुक में डिवाइड कर दिया है सिनॉप्सिस के रूप में, और इतनी बेटर हैं, इतना अच्छा आउटपुट उनका आएगा मैं बता नहीं सकता आपको उसके बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ का मटेरियल है ये बच्चों को एक साथ नहीं प्रोवाइड कराते, जैसे जैसे बैच चलते जाते हैं जिसका काम पड़ेगा हमें वो हमें दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हमको मतलब बिल्कुल भी अपने आप पर प्रेशर नहीं महसूस होता है, ना ही हमको डर लगता है कि इतने सारे बुक्स हैं, अपने हिसाब से जितना होता जाता है कवर उतना होता हमें दिए जाते हैं। जैसे कि अगर पॉलिटी स्टार्ट होने वाली है पॉलिटी बुक दी जाएगी हमें, हिस्ट्री हो रही है स्टार्ट हिस्ट्री की दी जाएगी, साइंस एंड टेक साइंस एंड टेक की दी जाएगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, और जो और अदर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं आपको, तो आप उनको ये जो कोचिंग है मलूका आयास वो रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यही मैसेज करना चाहूँगा कि अगर आपको 100% गारंटी के साथ फील्ड में उतरना है और आपको चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप बेझिझक बिना किसी परवाह को किए हुए मलूका आयास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100% फिल्म्स की गारंटी दी जाती है, प्लस आप मेंस को मेंस की आपके लिए असोटीज दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि अगर सबसे मेन चीज़ होती है हमारे पैसा, इकोनॉमिकल दिक्कत बहुत होती है बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के फैमिली वाले कैसे कैसे पैसे का कर पाते हैं सर, तो ये वही जानते होंगे, इसलिए सबसे मेन चीज़ होती है पैसा, और अगर हम नहीं सक्सेस हो पाते हैं तो बाद में हमें पैसा हमारा 100% वापस दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।